दोस्तों जब राइटिंग करते हैं तो राइटिंग के बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हम उसे पब्लिश कैसे कराएं, लोगों के सामने उसे कैसे लेके आएं ताकि रीडर उसे पढ़ें। ठीक है, हमारा रीडिंग का जो लक्ष्य है या हम जो लिखते हैं उसको दूसरों के सामने कैसे लेके आएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने के बाद। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को आज डिस्कस करने वाला हूँ, शायद कुछ चीज़ें आपके काम आ जाएं। दोस्तों मैं हूँ कृष्णा शर्मा। दोस्तों मैंने जैसा कि यू नो, एक तो मैंने लिटरेचर पे बुक लिखी है जो अभी मेरे पास है, इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। दूसरा एक मैंने नोवेल लिखा है, यू कैन चीट ऑन अमेजन, वाई मोदी बिकेम सेंट। ठीक है, वाई मोदी बिकेम सेंट बाय कृष्णा शर्मा। अभी मैंने ये नोवेल लिखा है, पब्लिश हो चुका है, हालांकि मेरे पास भी एक दो दिन में हार्ड कॉपी आने वाली है, कल या परसों वो पब्लिश हुआ है। तो वो कैसे लिखा मैंने और कैसे उसको मैंने पब्लिश कराया, वो दिशा इंटरनेशनल पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश कराया मैंने। और एक मेरी किताब जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है, वो कोलकाता के एक पब्लिकेशन है, प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन, उसके थ्रू पब्लिश होने वाली है। तो कैसे पब्लिकेशन प्राप्त करें, अपने लिखे को लोगों के सामने कैसे लेके आएं, इसमें बड़ी समस्या होती है स्टार्टिंग में। बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं, राइटिंग करते हैं, उनके सामने ये बेसिक प्रॉब्लम रहती है कि हम पब्लिकेशन कैसे प्राप्त करें। दोस्तों मैं इस समस्या को आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव पेशेंस, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड एंड यू वॉन्ट टू राइट इन ऑन पेपर, सो फर्स्टली आप लिख लो जो भी आप लिखना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी बना लो। क्योंकि देखो अभी क्या है, आप हार्ड कॉपी में लिखेंगे, आप पेपर पे लिखते हैं, ठीक है, तो आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप पेपर पे लिखते हैं तब उसकी सॉफ्ट कॉपी बना लें, अगर खुद पॉसिबल हो लैपटॉप पीसी पे तो वहाँ बना लें, अदरवाइज किसी व्यक्ति से उसको टाइप करा लें। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि आपकी जो पीसी या लैपटॉप है उसको कोई दूसरा टच ना करे, कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं जो अभी मैं बताऊंगा। या फिर अगर आप किसी दूसरे से उसको टाइप करा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से कराएं जो विश्वसनीय हो, जिस पे आप भरोसा करते हो। कई बार क्या होता है कि लोग आपके मटेरियल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और वो ऐसा होता है कि आपका पब्लिश हो उससे पहले वो पब्लिश करा लेते हैं और उससे पैसे कमा लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप खुद टाइप कर रहे हैं तो प्राइवेसी बना के रखेंगे अपने मटेरियल की, और दूसरा अगर आप पेपर पे लिखते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी किसी से बनवाएं, तो ऐसे व्यक्ति से बनवाएं ताकि वो उसको कॉपी ना कर सके जो विश्वसनीय हो, ऐसे व्यक्ति से बनवाएं। ठीक है, अगर आप लिख लिया, आपने आप पोएम लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, या नोवेल लिख रहे हैं, या कोई ऐसे लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, वो लिख लिया, उसको आपने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करा लिया, ठीक है, अब उसे पब्लिश कैसे कराएं, पब्लिकेशन कैसे प्राप्त करें। दोस्तों जो भी पब्लिकेशन है, आप पहले तो अपने फील्ड का पब्लिकेशन सर्च करें, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आपका फिक्शन वर्क नहीं है, फिक्शनल वर्क नहीं है, तो आप अपने फील्ड के जो मिडिल रेंज के पब्लिकेशन हैं उनको सर्च करें, फाइंड आउट करें थ्रू इंटरनेट, देन उसकी वेबसाइट को सर्च करें, ठीक है। हर पब्लिकेशन की साइट पे आपको एक पेज मिल जाएगा, ऑथर्स पेज, या उनके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करने के, ठीक है, उसके थ्रू जाके आप उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो रूल रेगुलेशन, उनको अच्छे से रीड करें। उसके बाद उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट उन्हें सबमिट करें, ठीक है, वो विदाउट एनी फी फ्री होता है, लेकिन उसमें आपको उनकी जो पॉलिसी है वो फॉलो करनी पड़ती है। वो आपसे पूरी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मांगते हैं इन स्टार्टिंग, दे आस्क जस्ट फॉर समरी, वो समरी के लिए पूछते हैं। अगर आपका फिक्शनल वर्क है तो एक समरी बोलते हैं कि एक समरी दो, कितना इसका टाइटल क्या है और इसमें कितने पार्ट हैं, जस्ट बेसिक समरी वो मांगते हैं, तो वो दे दो, ठीक है। और दूसरा अगर आर्टिकल ऐसे है या पोएम है तो आप उसे पूरा भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सबमिट कर दिया तो जो रेपुटेड पब्लिकेशन है उनके लिए, उनके यहाँ तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, एटलीस्ट दे आस्क फॉर 6 मंथ, मतलब बोलते हैं कि 6 महीने में हम आपको रिव्यू करके बता देंगे, और कुछ पब्लिकेशन ऐसे हैं 1 महीने या 1.5 महीने में बता देते हैं, तो जनरली 1 महीना तो लग ही जाता है। आप उनको मेल कर दो अपनी सॉफ्ट कॉपी, चाहें तो आप जाके भी जमा कर सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी आपने मेल कर दी उनको। हाँ, अगर आप किसी पब्लिकेशन को मेल कर रहे हैं तो वहाँ आप चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि आपकी कॉपी आपकी सॉफ्ट कॉपी को चोरी ना कर लें, ऐसा नहीं करते हैं पब्लिकेशन वाले जनरली। तो आपने अपनी जो समरी थी या सॉफ्ट कॉपी थी, जो भी आपका मैटर मैटर है, स्टफ है, वो आपने मेल कर दिया उनको, वो उसको रिव्यू करेंगे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में वो आपको रिप्लाई ईमेल करेंगे, और उसके बाद अगर उनको एक्सेप्ट करना होगा तो आपको मेल करेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो
हमने रिव्यू किया है और हम इसको थोड़ा और इन डिटेल रिव्यू करना चाहते हैं, तो अपनी पूरी सॉफ्ट कॉपी हमें इन डिटेल दें या फिर और कुछ जानकारी मांग लेंगे। अगर रिजेक्ट करना होगा, उनको लगेगा कि आपकी जो मटेरियल है, आपका जो पोयम है या शॉर्ट स्टोरी या एसे या आर्टिकल या नोवेल जो भी है वो पब्लिश करने लायक नहीं है, तो आपको रिजेक्शन मेल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप। और हाँ, एक चीज़ और होती है, यहाँ कई बार हम सोचते हैं कि हमने एक पब्लिकेशन वाले को मेल कर दिया तो क्या हम दूसरे को भी करें ना करें। आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका कहीं सबमिट हो जाता है, कहीं एक्सेप्ट हो जाता है, तो किसी दूसरे पब्लिकेशन को जिसने आपको मेल कर रखा है, आप करना चाहते हैं, उसे मेल करके इन्फॉर्म कर दें कि आवर वर्क हैज़ बीन सबमिटेड टू दैट पब्लिकेशन, सो रिजेक्ट आवर प्रपोजल। इस तरह से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ आप जब तक आपका कहीं एक्सेप्ट नहीं हो जाता है, दो तीन चार जगह पब्लिकेशन पे ट्राई करते रहें, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पब्लिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल लिख रहे हैं तो कोई भी पब्लिकेशन मना नहीं करता है, बस वो क्वालिटी देखते हैं, आपको बोलते हैं उसमें कोई मिस्टेक्स होती हैं, बताते हैं कि इसे इम्प्रूव कर लो थोड़ा सा और फिर इसे रिसबमिट करो हमें, तो वो ठीक रहता है। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो रीडर ज़्यादा मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप पब्लिकेशन सर्च करो अपने फील्ड के, जिस फील्ड में आप लिखते हैं उसके जो टॉप मोस्ट पब्लिकेशन है उनको सर्च करो, उनकी पॉलिसी पढ़ो कि वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को, और उसके बाद उनको सबमिट कर दो, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 to 4 month की जो प्रोसेस होती है उसके बाद आपका जो मटेरियल है वो पब्लिश हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर आपका मटेरियल ओरिजिनल है तो कहीं आपको एक पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और कई बार तो अगर आपका मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगता है उनको तो वो स्टार्टिंग में, इवन इफ़ यू आर फर्स्ट राइटर, कोई भी चीज़ पहली बार लिखते हैं तब भी वो आपको रॉयल्टी की ऑफर दे देते हैं, बट जनरली स्टार्टिंग में ऐसा होता नहीं है। 1-2% चांस रहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में रॉयल्टी के चांस मिल जाएं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आप पब्लिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो वर्क हैं उसको पब्लिश करा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।